मेरी स्टोरी जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, लाइफ में अचीवमेंट बहुत लिए, जो सोचा वो सारा मिला, और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा वो है चेहरे पे स्माइल, वो हमेशा रहती है, कभी जाती नहीं। तो जयपुर अभी मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, सिर्फ मुझे 4 महीने ही हुए हैं जयपुर शिफ्ट हुए हैं, और मेरी जर्नी काफ़ी रही है। साल भर में मैं लगभग 80,000 to 1 लाख किलोमीटर कार ड्राइव कर लेता हूँ। घूमने का बहुत शौकीन हूँ, पैर में चक्कर है, और ऐसा नहीं, फादर आर्मी में थे, उन्होंने भी बहुत घुमाया। और 11 साल की उम्र में फर्स्ट नेशनल खेला था वॉलीबॉल में, यूपी से खेला था। KVIMA का स्टूडेंट हूँ, इंडियन मिलिट्री अकेडमी का, तो ऑफिसर्स के बीच में ही पला बढ़ा हूँ। लेकिन कभी जिंदगी में सोचा नहीं था ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि मैं मूवीज बहुत देखता था बचपन से, और उसमें देखता था जो बिजनेसमैन होते हैं वो डॉक्टर को भी खरीद लेते हैं, वकील को भी खरीद लेते हैं। तो मेरे दिमाग में यही था कि बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना। वो अलग बात है कि बड़ा होकर पता लगा बिजनेसमैन होता क्या है, किराने की दुकान वाला भी बिजनेसमैन है, पान का गल्ला चला रहा वो भी बिजनेसमैन है, ऐसी काफी सारी चीजें समझ में आई। तो थोड़ा डर भी लग रहा था, अब क्या बनेंगे। लेकिन एक गॉड गिफ्ट था, बचपन से हेल्थ को बहुत वैल्यू दी है मैंने। मैं 3rd क्लास में था तब मेरे फादर की पोस्टिंग पुलगांव में थी, सब जूनियर में मैंने फुटबॉल खेली थी, और मैं मेरे को मतलब इतना अच्छा खेला था, उसके बाद जो भी टूर्नामेंट होते थे जो 9th 10th के बच्चे मुझे साथ में बुलाते थे। लेकिन एक संजोग था, उसी समय मुझे अस्थमा हो गया था, जो कि एकदम अपोजिट हो गया, अभी बोलते हैं ना दमा का मरीज ये क्या करेगा, ठीक है। तो उसमें अस्थमा हो गया, इसलिए फिर मेरे फादर ने होम पोस्टिंग भी ली, वो जोधपुर आ गए, प्रॉपर में जोधपुर का ही रहने वाला हूँ। और वैसे 12 साल से अभी मुंबई रह रहा था, नासिक रह रहा था, सारा बिजनेस वगैरह मैंने वहीं पे किया, और फिर होम पोस्टिंग आ गई। लेकिन बचपन से एक कीड़ा था प्लेयर का, थोड़ा बचपन से थोड़ा हीरो जैसा दिखता था, तो हीरो जैसा बनने का मन नहीं करता था, हमेशा से प्लेयर बनने की उम्मीद थी। लेकिन क्योंकि अस्थमा हो गया तो कुछ कर नहीं पाता था मैं, डॉक्टर्स ने क्लियर कहा था भागना दौड़ना नहीं है, मस्ती वस्ती नहीं करनी है, सीधे बच्चे रहो, और सीधे बच्चे वाले तो था ही नहीं। तो फिर मैंने हाई जंप स्टार्ट की, और या ये बात होगी लगभग 95 की होगी, मैंने सिल्वर मेडल लिया था हाई जंप के अंदर स्टेट का, और क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दौड़ूंगा तो सांस फूल जाती थी। लेकिन ये कीड़ा था अंदर कि जितने भी लोग कह रहे हैं इनके मुंह बंद करने हैं, और जैसा अभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हो, तो मेरे कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, 2-2 दिन के वर्कशॉप में लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आज जो मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस है, आज आप मेरी स्टोरी के बारे में पूछ रहे हैं तो वो आज तक किसी ने नहीं पूछे। सब अपनी लाइफ सुधारने में लगे रहते हैं, दूसरे की लाइफ से किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। और लाइफ की अगर स्टोरी की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई एक फिक्स स्टोरी नहीं होती है, एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है, छोटी छोटी स्टोरीज को बन के एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है हमारी लाइफ की। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, कुछ को 2-4 जो स्टोरीज है वो आपको कितना इंस्पायर करेगी पता नहीं, पर मुझे बताने में मज़ा आएगा इसलिए मैं बताऊँगा। उसके बाद मेरे फादर की पोस्टिंग देहरादून हो गई इंडियन मिलिट्री अकेडमिक में, और वहाँ पे हीरो वही होता था जो वॉलीबॉल खेलता था, बाकी आप भले एशियन खेल लो कुछ भी खेल लो, जो वॉलीबॉल खेलता है वही हीरो होता है। एक हर एक स्कूल का रहता है कि यहाँ से कबड्डी वालों को हीरो मानते हैं, यहाँ से बास्केटबॉल वालों को। तो हाई जंप तो अच्छी थी और वॉलीबॉल अच्छा भी लगता था, थोड़ा बहुत कभी कभार खेला करते थे। तो मैं फर्स्ट ईयर ही नेशनल खेल लिया मैं, और वैसे मैंने अंडर 19 में टोटल 7 नेशनल खेले, उसके लिए मैंने 1 साल ड्रॉप भी किया, मैंने कहा ना बैक बेंचर था मैं, तो 1 साल ड्रॉप भी किया। तो काफ़ी लोग, और जिस समय मैंने इतने नेशनल्स खेले या मैंने 12th पास की, तब सब लोग NDA के पीछे बहुत पढ़े रहते थे, इंजीनियरिंग के पीछे, डॉक्टर बनने के पीछे बहुत पढ़े रहते थे, प्लेयर्स को सब आवारा ही समझते थे, निकम्मा मानते थे। तो लेकिन मेरे फादर ने यही कहा, तेरे को जो करना है तो कर जिंदगी में, हमें यह मत कहना कि हमने मौका नहीं दिया या हमने तुझे रोक लिया। और मैंने काफ़ी सारे नेशनल खेले, और वैसे गलती से मैंने साइंस ले ली थी 11th में, वो भी सिर्फ जलन के मारे ली थी, क्योंकि मेरा भाई मेरिट में आता था और उसके पास साइंस थी, तो लोग यही बोलते थे भारत तो इतना इंटेलिजेंट है, दीपक को तो कोई साइंस देगा ही नहीं। तो सिर्फ मैंने इसलिए ली थी, और साइंस, लेकिन जब साइंस ली तो मज़ा भी आ रहा था साइंस में, क्योंकि मैं थोड़ा लॉजिक वाला पर्सन हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कब कहाँ कैसे ले जाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना लाइफ का जो शॉर्टकट है ना वो आपको नहीं पता है, ऊपर वाले को पता है। हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं लेकिन कई बार वहाँ जाके आगे दीवार मिल जाती है। तो बस आप तो अपनी मंजिल की तरफ फोकस करो कि आपकी मंजिल क्या है, रास्ते तो अपने आप बनते हुए चले जाएंगे, क्योंकि लाइफ का शॉर्टकट अगर किसी को पता है तो ऊपर वाले को पता है। अभी आपने नहीं सोचा था आप क्या करेंगे, आपने नहीं सोचा था क्या करेंगे। अभी जैसे कल परसों मैं किसी को सुन रहा था तो बोले थे मुझे जिंदगी में कभी डॉक्टर तो बनना ही नहीं था, ठीक है, कुछ और बनना था लेकिन वो डॉक्टर बन गए। तो कब क्या होगा पता नहीं, बोलते हैं मंजिलें तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं।
तो घर से निकलना जरूरी है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में अपने आप को बहुत सक्सेस मानता हूँ। मैंने जो चाहा है, मतलब वही लड़की से भी शादी की है, जैसा बिजनेस चाहा है वैसा किया है, हर चीज में अपने लाइफ से जीता हूँ। मेरा मन हो गया तो मैं 10 दिन मोबाइल बंद कर दूंगा, मैं किसी की परवाह नहीं करता, काम भी वैसे ही करता हूँ कि जब चाहे जो करूँ। मेरी लाइफ का एक ही रूल है कि कोई रूल ही नहीं मेरी लाइफ में, और सारे रूल तोड़ने की आदत रही हमेशा से, रूल्स बहुत फॉलो करता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना यह रहा है कि अगर आपको कोई रूल पसंद नहीं है तो आप उस रूल को दिल से फॉलो करो, क्योंकि वो रूल बनाए वो भी कोई मुक्त होगा नहीं। उस रूल को फॉलो करके उस लेवल पे पहुंचोगे, आपके रूल आप खुद बना सको। जैसे मार्केटिंग फील्ड में मैंने रूल बनाया था, इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो ग्रीन टी कैप्सूल में लेकर आई थी, और भी L-Carnitine, L-Arginine, ये हमने इंडिया में लॉन्च किए थे, उससे पहले कोई जानता भी नहीं था। और फर्स्ट ग्रीन टी कैप्सूल मैंने 2003 में लॉन्च किया था, उसमें मेरी कंपनी नहीं थी लेकिन मैं मार्केटिंग कर रहा था। तब लोगों को ये नहीं पता था ग्रीन टी भी होती है कोई चीज़। एक ही सपना था कि बड़ा होकर खूब सारा पैसा कमाना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है। लेकिन भगवान ने गलती से वॉलीबॉल प्लेयर बना दिया, ठीक है, और गेम खेलने में भी बहुत मजा आता था। मैंने लाइफ के 10 साल 10 घंटे प्रैक्टिस की है, चाहे संडे को छोड़ के एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा मैं अपने मामा की शादी में नहीं गया, कई रिलेटिव्स की शादी में नहीं गया। बर्थडे पार्टी किसी फ्रेंड की होती तो मैं पूछता था भाई 10 बजे करेगा तो मैं आता हूँ रात को, क्योंकि 9:30 बजे मेरी प्रैक्टिस खत्म होती। 10 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि मैंने वॉलीबॉल नहीं खेला हो। इवन मैं पागल कहते थे मुझे, लोग बोलते थे कि ये जब पैदा हुआ था तब भी शायद वॉलीबॉल लेके आया था, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाता था कॉरिडोर से भी तो वॉलीबॉल ऐसे घूमती रहती थी मेरे हाथ में। मैं बिना वॉलीबॉल कभी मूवी नहीं देखने गया, कभी मैं मूवी भी गया तो वॉलीबॉल देखने गया, वो मूवी स्टार्ट हो रही है तब तक आगे वाली की चेयर पे, अब कोई वॉलीबॉल खेला होगा तो आपको पता है फिंगर की प्रैक्टिस दीवार से करते हैं, वो करता रहता था, छोड़ता नहीं था, मैं हर दम ऐसा करता रहता था। लेकिन अचानक 2001 में एक एशियन तो नहीं बोलेंगे, सेमी एशियन ही था, मेघालय में प्रोग्राम था, उसमें मेरे को इंजरी हो गई, मेरे लेफ्ट लेग में लगभग 60% लिगामेंट इंजर्ड हो गए, और उस समय लिगामेंट का कोई इलाज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो गवर्नमेंट के थ्रू मेरे को एम्स में काफ़ी ट्रीटमेंट दिया, लेकिन 6 महीने तक चलता रहा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि बस वो एक्सपेरिमेंट ही हो रहा था, कोई रिजल्ट नहीं कुछ नहीं। तो मैं उस समय डिप्रेशन में तो नहीं गया, लेकिन यही लगता था कि भगवान ने मेरी टांग क्यों तोड़ी, एक ही सवाल आता था। इतने साल 10 साल मेहनत की, और बचपन से बीमारी से जूझा हूँ, आप सबसे बड़ा पेशेंस मेरा अगर देखेंगे सर से एकदम अपोजिट, तो 5वीं क्लास का बच्चा 1 साल तक सिर्फ दूध रोटी खा रहा हो तो आप क्या बोलेंगे, कोई और फरमाइश नहीं, कोई और चॉइस नहीं। क्योंकि हमारे एक रिलेटिव है फलौदी गांव, आपने सुना ही होगा, जोधपुर के आगे है, वो नाड़ी भेद बोलते हैं ना, क्योंकि पूरी दुनिया के हमने मछली भी खा ली थी, कहीं हरियाणा का पानी भी पी लिया था, कहीं बोला था कि आप वहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे जाके प्याज रोटी खाते हैं अजमेर के पास वो ठीक हो जाते हैं। दुनिया में, मतलब दुनिया तो नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरे फादर मुझे ले गए नहीं या मेरा ट्रीटमेंट नहीं कराया, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट कहीं से भी नहीं हो रहा था। तो आखिर वो नाड़ी भेद थे, उनको दिखाया था, तो उन्होंने बहुत सारी भस्म, ये भस्म वो भस्म, और साथ में परहेज़ भी बहुत सारा दिया हुआ था, तो उसमें मेरे को दालें सारी मनाती, भिंडी मनाती, टमाटर मनाती, ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट है, सारी नहीं बताऊंगा आपको। तो उसमें फिर मेरी मम्मी के सामने कन्फ्यूजन होता था कि भाई अब बेटा क्या खाएगा तो ये बता, तो मैं कहता मम्मी पराठा बना दो या रोटी दे दो, दूध के साथ खा लूंगा। तो 1 साल तक मैंने वो लगातार खाया, और ऐसे करते करते फिर पापा क्योंकि आर्मी में थे, तो मैं फिर लास्ट में मेरे मम्मी पापा का भी पैसा पूरा खत्म हो गया बाहर इलाज करा करा के, लास्ट में एक भाई और भी है मेरा, तो मेरी मम्मी के वर्ड्स थे अब इसका क्या होगा पता नहीं, इसके चक्कर में दूसरे का फ्यूचर कैसे बर्बाद करें, अब इसका मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। और वहाँ से मैं कमबैक आना शुरू हुआ, एक जुनून था एक अच्छा प्लेयर बनना है, और एक कॉम्पिटिशन था, ग्रुप सॉन्ग होते हैं स्कूल्स वगैरह में, तो उसमें मेरे मामा जी थे वही म्यूजिक टीचर थे, तो उन्होंने मुझे भी सेलेक्ट कर लिया था जब मैं जोधपुर में पढ़ता था। तो वहाँ पे कोटा ले गए थे, वहाँ पे मुझे अस्थमेटिक अटैक आ गया, मुझे वहीं पे भर्ती करना पड़ गया। और उसके बाद वो जो ट्रिप था मेरे लिए बहुत डेंजर था, क्योंकि सब लोग मुझे ताने ही मार रहे थे मरीज, और उस समय के बच्चे भी ऐसे होते थे, आजकल के बच्चे तो थोड़ा बहुत सोच समझ के बोलते कि अगले का दिल ना टूट जाए, और पेरेंट्स भी है तब के, तो पेरेंट्स बोलते माँ बाप कैसे भेज देते अस्थमा था फिर भी भेज दिया ऐसा, तो काफ़ी ऐसा सुनने को मिला था। और स्टेज पे हमारे प्रिंसिपल महोदय ने बोल दिया था कि पेरेंट्स को ऐसे भेजना नहीं चाहिए, वो नहीं है। उसके बाद मेरे भाई ने घर पे आके बहुत धमाल मचाया था
कि आप क्यों मेरी इंसल्ट करा देते हो, इसकी तबीयत ठीक नहीं क्यों भेजते हो ये, तब से मेरे एक कीड़ा था, मैं इनको बताऊंगा कि इनसे ज़्यादा मैं खेल सकता हूँ, इनसे ज़्यादा देर ग्राउंड में टिक सकता हूँ। और उसके लिए मैंने दिल्ली कैंप में 18 घंटे कंटिन्यूस खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। ये उस समय के जो प्लेयर्स हैं वो जानते हैं, वो पक्का दोहराते हैं। मैं पहले यूपी से 3 नेशनल खेल चुका था, उसके बाद रेडीमेड प्लेयर राजस्थान को मिला था दीपक गोस्वामी, और मेरे कोच थे भागीरथ चौधरी जो कि बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैं। उन्होंने मेरे लेफ्ट हैंड को काम करना उन्होंने ही सिखाया। मैं लेफ्ट हैंड से लगभग लिखने के अलावा सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो लेफ्ट हैंड लगभग आधा मरा हुआ ही होता है लेकिन मेरा पूरा जिंदा है। अच्छा, एक चीज़ बीच में लेफ्ट हैंड की आई, ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं 1 मिनट में 250 बार अपोजिट डायरेक्शन में घुमा सकता हूँ। ये भी उन्हीं की देन है क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइज सिखाई थी। तो यहाँ पे झोटवाड़ा में KV-1 है शायद, आई थिंक तो KV-2 है, जहाँ के प्रिंसिपल को कोई राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था, है ना। तो वहाँ पे वो टूर्नामेंट था, तो कोई भी टीम पूरे राजस्थान की चौथा सेट नहीं खेल पाई थी हमारे साथ। कोई भी टीम, 5 सेट होते हैं ना, कोई भी टीम मेरी टीम से चौथा सेट नहीं खेला था, और किसी भी टीम ने 6 पॉइंट नहीं बनाए थे, 25-4, 25-2, 25-3 सब नॉकआउट बाहर थी। और लेकिन हमारी टीम से सिर्फ 6 बच्चे, एक ही स्कूल से 6 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और पूरे राजस्थान से 6 बच्चे। तो मैं शुरुआत से थोड़ा सा ऐसा रहा हूँ कि मनमौजी रहा हूँ, मेरे को कब क्या बोलना है मैं सोचता नहीं, मेरे मन में जो आता है वो बोल देता हूँ बिंदास, अगले को कैसा भी लगे। तो मैंने स्टेज पे आके कह दिया कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे 6 बच्चे ही सेलेक्ट है, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं है, जीतने वाले से 3 होते हैं, 4 होते हैं, एक एक ऐसे होता है। तो मैंने कहा चीटिंग हुई है, जब हमारे 12 के 12 चैंपियन है तो 12 के 12 जाएंगे, एक्स्ट्रा में भी हमारे जाएंगे। तो लेकिन क्योंकि स्टेज पे बोला तो कोई उल्टा पुल्टा भी नहीं बोल सकता था, ये भी मैंने देखा, सबके सामने ही पोल खोल दो तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता। मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे जो एक्स्ट्रा 6 है उसमें से मुझे एक पता है, एक तो मेरा दोस्त है इसलिए आया वो साथ में, कोचिंग कैंप में भी मैं लेके गया था, और भागीरथ सर मुझे कुछ कहते नहीं। तो मैंने कहा वो 5 और मैं खेलूंगा, अगर आप पूरे इसमें से 6 को खिला दो, अगर उन्होंने 6ठा पॉइंट बना लिया 3 सेट में से तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, 25-0 से हराया उनको, और हमारी टीम एक ही स्कूल के 9 बच्चे गए थे, ये भी राजस्थान में वो इतिहास है कि एक ही स्कूल के नेशनल खेलने के लिए 9 बच्चे। खैर वो मेरी बदौलत नहीं थे, वो भागीरथ सर की कोचिंग की बदौलत थे जो मुझे देहरादून छोड़ के यहाँ लेकर आई थी। मेरा ही एक सेमिनार चल रहा था, ट्रेनिंग चल रही थी, मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहा था। तो प्रेजेंटेशन के बीच में बार बार मेरी आदत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बीच में से एक लड़का खड़े होकर बोलता है दीपक भैया मैं आपको जानता हूँ, मेरे को कोई भैया बोले तो एक वो, तो वो बोला मैं भी KV का स्टूडेंट हूँ, तो बोला मैं कबड्डी का नेशनल प्लेयर हूँ और मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत पागल थे, और क्योंकि KV का लगातार 3 साल तक मैंने ही फ्लैग उठाया था और स्टूडेंट ऑफ द ईयर का 3 बार मैंने ही लिया था, मैगजीन पे मेरा ही फोटो था। तो बोलता मैं आपका फैन हूँ लेकिन आप यहाँ जो बोल रहे हो ना सब झूठ बोल रहे हो, वो भी प्लेयर था ना और वो भी कबड्डी का, तो सोच लो कैसा होगा। तो मैंने कहा क्यों भाई क्या हुआ, तो एकदम से आप कुछ मेरे को बोल दे कि आप झूठ बोल रहे हो तो एक घबराहट तो हो जाती। तो मेरे पास कॉर्डलेस माइक था, मैंने कहा भाई क्या गलती होगी बाद में बता दे, मेरे को पर्सनल है तो सब हंसने भी लगे। मैंने कहा क्या हुआ, बोलते आप बोलते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं जानता हूँ आप एकदम पागल थे और आपको रोल मॉडल मानते थे लोग, प्लेयर्स जितने भी थे, तो आपने 10 साल पागलों की तरह मेहनत की और आपकी टांग टूट गई, क्या अच्छा हुआ। तो मैंने जस्ट ऐसे माइक था मेरे हाथ में और मैंने क्या, मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या बोले, सोचने लगा, फिर मैंने एकदम से बोला अगर उस दिन टांग नहीं टूटती तो इतने लोगों के सामने आज खड़ा नहीं होता। और दूसरी बात है ये टांग टूटने के पीछे है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि मैं बचपन से एक ही चीज बोलता था कि मेरे को बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना है, बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना है। तो भगवान ने सोचा इसकी टांग नहीं तोड़ेंगे ना तो वॉलीबॉल नहीं छोड़ेगा, तो इसकी टांग तोड़नी पड़ेगी तभी ये बिजनेस में आएगा, सही ना। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, उस दिन इंजरी हुई इसलिए, लेकिन एक चीज हेल्थ को हमेशा मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया है। इवन मेरा बेटा जब पहली बार स्कूल गया तो मैंने अपने वाइफ को कहा मार्क्स कम लाएगा तो चलेगा लेकिन फिटनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा बेटा भी वैसे स्केटिंग चैंपियन है लेकिन उसको मैं हमेशा बोलता तू लास्ट आएगा चलेगा, लेकिन दौड़ना जरूरी, खेलना जरूरी है, अगर फिटनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोरोना में लोगों को हेल्थ का पता लग गया, वैसे मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर कर रहा हूँ। लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसका मतलब ये होता है कि आपका नेक्स्ट मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, टर्निंग पॉइंट होने वाला है। जब आपको कुछ भी नजर नहीं आता है ना तब समझ लो कुछ बड़ा होने वाला है। सक्सेस जो है जर्नी की अगर हम बात करें तो वो एक अंधेरी गुफा है जिसमें आप एक बार एंटर हो जाते हो आपको सिर्फ
डरावनी डरावनी आवाजें आती है, तू क्या कर रहा, जैसे आपको भी आई होगी, आपको भी आई होगी, सर को तो बहुत सारी आई ठीक है, वो डरावनी आवाजें आती रहती है। अब बस वो डरावनी आवाजें सुन के हमें पीछे चले जाना है कि हमें आगे जाना है, वो हमें डिसाइड करना है। लेकिन जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाता है। और ज्यादातर लोग पता है क्या गलती करते हैं, आपने सुना होगा, जैसे मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ, मेन बंदा मार्केटिंग वाला हूँ मैं, तो काफी लोग बोलते हैं हमने बहुत दुनिया देखी है, हमने बहुत ऐसे किया, हमने बाल ऐसे सफेद नहीं किए। वो सही बोलते हैं, उनका नॉलेज है ना मेरे से ज्यादा होता है। पता है क्यों? वो ऐसी कई सुरंग होती है जो 100 किलोमीटर लंबी होती है, वो घुस के ना 99 पे जाके वापस आए हुए होते हैं, और मैंने तो एक ही सुरंग पार की है। तो उनको 100 सुरंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको फेलियर का एक्सपीरियंस है, मुझे सक्सेस का एक्सपीरियंस है। मुझे एक ही चीज पता है, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, बोर नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि अभी ऐसा ही हमारा टॉपिक चल रहा है। एक बाबा जी थे जो जब भी नाचते थे तो बारिश होती थी, ये सब आपने सुनी होगी। वो जब भी नाचते थे तो बारिश होती थी, तो एक फॉरेन से डिस्कवरी चैनल से कोई बंदा आया, कैमरा वैमरा लेके उनको शूट करने लगा, ठीक है, और बोला कि देखते इस बार। तो पूरा गांव नाच रहा था, तो गांव नाचते 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 रुक गया, बाबा जी नाचते रहे और बारिश आ गई। तो वो रिपोर्टर जो भी था डिस्कवरी वाला, उसने पूछा कि बाबा जी ऐसा क्या है आपके नाचने में कि आप जब भी नाचते हो बारिश होती है? बोला मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं होती, तो मैं तब तक काम करता हूँ जब तक मैं सक्सेस नहीं हो जाऊँ, चाहे उसमें कुछ भी आए, कैसी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए। इसी से रिलेटेड एक बात और बोलना चाहूंगा, जब मेरी शादी हुई, वो मेरा लाइफ का सबसे बुरा समय था। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, इवन वो भी राजपूती फैमिली से, मैंने भगा के शादी की थी, रोमियो नहीं था, आशिक था। बहुत मतलब 6 महीने तक काफी स्ट्रगल आए, फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि रिश्तेदार क्या होते हैं, वो भड़काने वाले ही होते हैं, अच्छी तारीफ के लिए नहीं होते, भड़काने वाले ही होते हैं। तो कुछ रिश्तेदारों ने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन रोज चाबी भरते रहते थे। उसका इंसिडेंट ये हुआ कि मुझे मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा, ठीक है। उस समय बताते तो मुझे शर्म आती थी, लेकिन अब ये स्टोरी हो गई, ठीक है, अब तो स्टोरी हो गई, ठीक है। आदमी जब सक्सेस हो जाता है तो स्टोरी हो जाती है, तब बोलते थे लड़की भगा के ले गया, ठीक है। अभी मेरे भगाने के बाद सब बोलते भैया आपने हमारा रास्ता खोल दिया, क्योंकि मैं पहला बंदा हूँ पूरे खानदान में। मेरी मम्मी का नाम सोना गोस्वामी है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है गोस्वामी समाज की, और मेरी मम्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका लड़का दूसरी जगह शादी कर रहा है, और आप इसका सबूत है सुरोही में जाके चेक करिएगा, 001 है मेरा सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं भगा के जयपुर ही आया था। अच्छा ये बात भी मुझे अभी याद रहेगा। वैसे ये इंटरव्यू मुझे बोलना नहीं था, ये आज तक राज ही रहा है कि मैं भगा के ले गया कहा था, क्योंकि ज्यादातर लोग इंदौर बोलते हैं, कोई मुंबई बोलता है, ये पहली बार मेरे जबान से निकला, ये मेरे और वाइफ के बीच में राज है, खैर वो खुल गया। उसके बाद मेरी मम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो हम आ गए। तो किसी कारण से ऐसी सिचुएशन हुई कि मुझे मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ा, और मैं भी बहुत जिद्दी रहा हूँ, तो मेरे पापा, और उस समय मेरे कुछ गलत डिसीजन भी रह गए थे जिससे मुझे बिजनेस में काफी लॉस हुआ था। तो मेरे खास फ्रेंड जिसको बोलते थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी भी फ्रेंड है वो मेरा, तो उसने मेरे मम्मी पापा को बहुत भड़काया, दीपक को इतनी पैसे की प्रॉब्लम है, इतना कर्जा है, फिर भी ये गलत डिसीजन लेता है, इसके पास में पैसा आ रहा है फिर भी वो कंपनी डिजाइन दे दी, इसने ये डिसीजन ले लिया वो ले लिया, तो बहुत भड़काया। तो मेरे पापा का जस्ट इतना बोलना हुआ कि बेटा अपने दम पे करोगे ना तो समझ में आएगा, या फोगट में सब कुछ मिल रहा है ना, तो मैंने कहा अब मैं जब कर लूंगा फिर आऊंगा। बस मैंने इतना ही बोला, और मैंने वाइफ को जस्ट ऐसे खड़े खड़े बात हुई, मैंने वाइफ को कहा पैकिंग करो चलना है। तो वाइफ ने काफी बोला कि यार क्या कर रहे हो, पागल होगी क्या, मम्मी पापा है ऐसा वैसा। तो मैंने कहा मम्मी पापा इसलिए तो बोल रहा हूँ, मम्मी पापा ने आशीर्वाद दे दिया ना, उसने इतना सपोर्ट किया। उसके बाद दो राजपूती ड्रेस थी, वो एक धोती थी और दूसरा पहनती थी, ऐसा उसने 6 महीने तक किया। मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी कमा रहा था, उसको भगा के लाया था, जितनी ड्रेस थी उसमें उसने 6 महीने चलाया और काफी स्ट्रगल किया। एक टाइम तो ऐसा आया था, जोधपुर से है कोई यहाँ पे, बनार जानते होंगे आप, है ना, मेरी एक बार बाइक वहां पे पंचर हो गई थी और मेरे पास पंचर निकलवाने के पैसे नहीं थे। मैंने बाइक वहीं खड़ी करके करीब 8-9 किलोमीटर पैदल आया था, जो किराए के घर में रह रहा था। मेरा पेरेंटल होम है बहुत बड़ा है, ठीक है, 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट का होगा, एक छोटे से टॉयलेट जितने बड़े यहाँ से वहाँ तक के घर में 1500 के भाड़े में रह रहा था। मतलब ये हालत देखे कि 3 दिन बाद जाके बाइक ली है मैंने, क्योंकि उस समय की जो बाइक होती थी अगर आप उसको पंचर में चला लोगे तो ट्यूब ही फट जाता। मैंने कहा अभी पंचर के पैसे नहीं है, ट्यूब के पैसे कहाँ से लाएंगे, और उससे पहले बहुत सारा पैसा देखा हुआ था। सिचुएशन ये होती थी कि 100 रुपये हाथ में होता था ना, तो ये रहता था कि राशन पानी लाएं कि गाड़ी में पेट्रोल डालें,
तो मैं ज्यादातर गाड़ी में पेट्रोल डालता था कि पेट्रोल होगा तो 10 जगह जाऊंगा तो कुछ काम बनेगा। उस समय काफी भगवान ने परीक्षा ली, 1.5 साल तक मैंने काफी मेहनत की, 1.5 साल बाद पहला कमीशन मुझे मिला था उसमें। अब आप सोच रहे होंगे 1.5 साल तक कैसे जिए, वो भी घर से बाहर किराए, तो मैं बस इसकी टोपी उसके सर करता रहा। आपने मुझे पैसा दिया ना तो मैं आपको प्रोडक्ट नहीं देता था, पहले वाले को देता था, क्योंकि कंपनी में तो जमा करना पड़ेगा ना। ऐसे मैंने 1.5 साल निकाला और उसके बाद जो चला तो अगले 1.5 साल में 1.25 करोड़ कमाया मैंने, और उसके बाद तो कभी रुका ही नहीं। उसी बीच मेरे एक फ्रेंड है महेश जी, वो गुजर गए लास्ट ईयर कोरोना में, तो वो काफी शुभचिंतक थे। वो दिन में 2 बार मेरे यहाँ चाय पीने जरूर आते थे, एक्चुअली वो मुझे मोटिवेट करने आते थे। तो वो काफी ऐसे, एक्चुअली वो मेरे सब फॉलोअर्स थे, उन्होंने मेरे को स्टेज पे देखा था, हीरो बनते हुए देखा था, तो वो मुझे मोटिवेट करते थे एकदम, सर वापस वो दिन आएंगे, सर वापस वो दिन आएंगे, बार बार मोटिवेट करते रहते। तो मैं उनको बोलता यार मुझे मोटिवेट मत करो, मैं सेल्फ मोटिवेट बोलता था। तो जब आदमी के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है ना, वो टोने टोट के ज्योतिष व्योतिष सब याद आ जाते हैं उसको। तो एक ज्योतिष थे जो चंद्रा स्वामी के भी गुरु रहे हुए, जगदीश जी तिवारी, ठीक है, उनसे काफी लोग सलाह लेते हैं। तो महेश जी जो थे वो उनके काफी अच्छे शिष्य थे। तो महेश जी मेरे पास 2-3 दिन पीछे पढ़े रहे, आपकी कुंडली दो, जगदीश जी को बताना है। तो मैंने कहा मैं इस पे विश्वास नहीं करता, मेहनत करेंगे तो मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा। तो काफी दिन बोलते रहे, तो मैंने कहा चलो यार हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन इनको फॉलो कर ले तो शायद अपन फॉलो कर ले इसलिए बड़े बिजनेसमैन बन जाए, ये सोच के फिर मैं गया। तो लेके गए जबरदस्ती मुझे, और मैंने उनको क्लियर कहा कि देख लेना। बोले यार आप चलो यार, कुछ नहीं कहेंगे आप, चलो यार। मैं गया, मैंने कुंडली ली अपनी, और महेश जी ने कहा दीपक जी आए, तो बोला आजा अंदर आजा ऐसे। तो वो गुटका पूरा मुंह में भरा हुआ, ठीक है, बोलो आजा बैठ बैठ ऐसे। मैं बैठा, मैंने कुंडली अपने हाथ में ली और मैंने जगदीश जी को कहा, जगदीश जी मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप मेरे पापा की एज के, आपका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इस दिमाग में ना नेगेटिव घुसता नहीं है, तो अगर इसमें कुछ पॉजिटिव हो तो आप बता देना, नेगेटिव मुझे बताना नहीं क्योंकि मैं आपकी मानने वाला नहीं हूँ। और ऐसे करके उनके आलती पालती मार के उनके पैर के पास ऐसे कुंडली रखी, उन्होंने कुंडली उठा के सीधा मेरे मुंह पे मारी। और मैं वो बंदा हूँ, कभी किसी प्रिंसिपल की भी नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी, बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला हूँ, और मेरे मुंह पे मारी। लेकिन एक थोड़े दिन पहले ये कहावत सुनी थी कि अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो दिल की बात चेहरे पे नहीं आने देता, तो मैंने अंदर का जो मुक्का वुक्का वो था अंदर ही रख लिया और चेहरे पे एक स्माइल रखी। तो मेरे को ऐसे देखने लगे और गुटका चबाने लगे, बोले कुंडली वुंडली है ना ये मरीज जैसे लोगों के काम की होती है, तेरे काम की नहीं है, तू कर्म योगी है, तू कर्म कर। और अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ये काफ़ी मतलब है, छोटी सी बात है लेकिन कई बार बोलते हैं ना छोटी बात भी बहुत मायने रखती है। तो उन्होंने मेरे मुंह पे मारी, मेरा स्माइल बस चेहरे पे स्माइल थी मेरे, और मैं उनको ऐसा देख रहा बस, कुछ भी नहीं कह रहा। मैंने कहा देखे तो सिख क्या बोल रहे हैं। तो बोलते अब तू आया है ना, तो कुंडली वुंडली को तो रख, तेरे को एक चीज़ बताता हूँ जिंदगी भर याद रखना, जब भी तेरा बुरा समय आता है ना महेश रोज आके ना तेरे बारे में बोलता है, रोज तेरे बारे में बोलता है। वो घनश्याम जी है कंसारा, वो भी आते हैं, वो तेरे बारे में बोलते हैं दीपक सर को ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैं घर से निकला ही नहीं था, अखबार में भी मेरा नाम दे दिया गया था कि हमारी जायदाद वायदाद किसी से, उस समय 15-1 लाख मेरे ऊपर कर्जा होगा शायद, उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और उस समय अगर ऐसा कह दिया जाए तो जितने मांगने वाले थे ना उनके फोन आने चालू हो गए थे, भाई क्या हुआ भाई हमारे पैसे। तो मैंने कहा मम्मी पापा से पूछ के दिए थे क्या, मेरे को दिए थे ना, मैं चुका हूँ, मैं भागा नहीं, ठीक है। और आज वो सब लोग मेरे फॉलोअर्स भी है, मेरे साथ भी काम करते हैं। तो जगदीश जी ने कहा जब भी लाइफ में बुरा समय आए ना तो रोना नहीं, दुखी नहीं होना, जो तेरे चेहरे पे अभी जो स्माइल है ना इस स्माइल को बरकरार रखना और हाथ जोड़ के बोलना गुरुजी आए कुछ सिखा के जाएंगे, और वो जो गुरुजी जो सिखाते हैं ना उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेना, वो प्रॉब्लम तेरे लाइफ में कभी नहीं आएगी। तो कोई भी काम आप बार 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 करते रहोगे तो हैबिट हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर को चौका छक्का मारने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप निकलता है क्योंकि वो उसकी हैबिट हो चुकी है। तो कोई भी काम हम बार बार करते तो वो हमारी हैबिट हो जाती है। तो अपने लाइफ में हमें सक्सेस को ही हैबिट मान लेना चाहिए। तो वो जो मैंने बुरे दिन देखे वो भी मेरे बहुत काम आ रहे हैं, जो मेरी टांग टूटी वो भी मेरे बहुत काम आ रहे हैं, फिर बीच में मैंने कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर दुबई में कुछ काम शुरू किया था, उसमें मुझे बहुत बड़े बड़े फटके लगे। और एक्चुअली मैं 33 साल की उम्र में ही मैं सब सेटल था, और 4 साल मैंने कुछ नहीं किया, बस लाइफ को एंजॉय किया। क्योंकि जब हम कई बार लाइफ कोच बन के जाते हैं तो कुछ कुछ टॉपिक पे लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को अच्छी भी लगती है, लेकिन हम खुद ही फॉलो नहीं करते तो क्या मतलब है। कई बार क्या होता है, जैसे हम खुशी की बात करें, सक्सेस की बात करें, तो सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है कि आप एक मुकाम पे पहुंच गए आप सक्सेस हो गए,
सक्सेस के बहुत सारे मायने होते हैं। हो सकता है आपके लिए फिलहाल सक्सेस का ये हो गया यार मैं दो दिन फैमिली के साथ रहूँ ना, तो वो हर एक का अलग अलग ड्रीम रहता है। तो मेरा ये था कि फैमिली को टाइम देंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन उसका ऐसा हो गया चार साल में बोर हो गए, खूब घूमे खूब फिरे। और मेरे बेटे से कोई पूछता था पापा क्या करते हैं तो वो बोलता था व्हाट्सअप फेसबुक। तो कई बार बुरा भी हो जाता है उसका। तो मेरे को लगा है, और मेरा बेटा बचपन से ही मेरा मुझे रोल मॉडल मानते हुए आया, क्योंकि उसको लगता है मेरे पापा सबसे ज्यादा मुझे खेलते हैं। वो घोड़ा गधा हाथी ऊंट मगरमच्छ सब बनता था, मैं और डेली बनता था, दो दो तीन तीन घंटे के लिए बनता था। और बाकी बच्चे बोलते मेरे पापा तो वहाँ गए मिले ही नहीं ऐसा वैसा, तो उसको लगता था कि मेरे पापा बेस्ट पापा है, आज भी लगता है। तो लेकिन साथ में उसको ये भी लगता है कि मेरे पापा कुछ नहीं करते, और मेरे पापा के पास इतना पैसा है कि वो जो चाहे खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इम्पैक्ट गलत जा रहा है। और सैटरडे नाइट हमारी ऐसी होती थी कि हमारे अंदर के जो गद्दे हैं ना वो बाहर हॉल में आ जाते थे, और हम तब तक चीटिंग डे होता है हमारा, वैसे तो हम बहुत डाइट फॉलो करते हैं वगैरह, चीटिंग डे होता है, हम तब तक नहीं सोते जब तक अपने आप गुड़क ना जाए। तो कोई मूवी चल रही थी, मूवी का बहुत प्रभाव रहा है मेरी पूरी लाइफ में, तो मूवी चल रही थी तो बीच में मेरा बेटा एकदम से बैठा, हम लेटे हुए थे ऐसे लेटे लेटे टीवी देख रहे थे, बैठ के एकदम से मेरे गले लगा और बोला मुझे पापा जैसा बनना है, अभी इससे बढ़िया लाइन आपके लिए क्या हो सकती बताओ। लेकिन दूसरी लाइन और डेंजर है, वो था मैं भी कुछ नहीं करूंगा। और जैसे ही उसने कहा ना मैं भी थोड़ा फास्ट रिएक्ट करने वालों में से, तुरंत जवाब देने वालों में से हूँ, बिजनेसमैन तो हो गया, बिजनेसमैन को जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पर कुछ आदतें रहती है सड़ने का बदलना नहीं चाहिए, तो मेरी भी कुछ गंदी आदतें बदली नहीं। तो जैसे उसने कहा मुझे पापा जैसा बनना है, मैं कहा देखा ऐसा, जैसे ही बोला दूसरी लाइन बोलती फिर वाइफ बोलती देखा। तो उसके बाद बेटा तो 10-15 मिनट में सो गया मूवी देखते देखते, लेकिन उसके बाद 2-2.5 घंटे हम नहीं सोए, मेरी क्लास भी चल रही थी इनडायरेक्ट और डिस्कस भी चल रहा था, वाइफ बोल रही कुछ तो करो, सिर्फ पैसा है तो ही नहीं होता है, दिखाने के लिए भी कुछ करना, मुझे भी लग रहा था कुछ तो करना चाहिए। तो इस बीच आप सुन रहे होंगे आजकल कैंगन वाटर काफी सुन रहे होंगे, तो वो डिवाइस मेरे पास ऑलरेडी था, उस कंपनी वाले मुझे काफी पीछे भी पड़े हुए थे, सर आप प्रमोट करो, आप 20 साल से हेल्थ इंडस्ट्री में, आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, अगर आप कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो लोग इजीली ले लेंगे। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने टाइम पास के लिए उसको किया था, और यकीन नहीं मानेंगे सिर्फ 3 महीने किया था, और 3 महीने में 100 डिवाइस इंडिया में भेज दिए थे, जो कि मिनिमम डिवाइस 2,20,000 का था। मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट आपको बता रहा हूँ, जैसे इनका स्लोगन है अनदर पर्सन कैन चेंज योर लाइफ, वैसे हमारा स्लोगन है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% वाटर है, जब तक वो सही नहीं है आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस उसका मैंने काम शुरू किया, और मैंने सिर्फ 3 महीने किया, और वो 3 महीने में ही कुछ रॉयल्टी उनका रहता था, तो वो मैंने अचीव कर लिया। लेकिन मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी पैसा आया। तो फिर मैंने कुछ और डिसीजन लेके फिर मैं दुबई सेटल हो गया, फिर वहाँ कुछ बिजनेस किए, और 2.5 साल मैंने कुछ भी नहीं किया, और लगभग जो जो कमाया हुआ था वो सारा डुबोते गया, मार्केट से कर्जा वर्जा बहुत सारा लिया। देखो सारी अच्छी चीज़ें बताऊँगा तो काम की नहीं, बुरी चीज़ें भी जरूरी होती है, तो काफ़ी कर्जा वर्जा भी ले लिया, वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वाइफ को सारी चीज़ें नहीं बता रखी। हाँ, तो इसलिए फिगर नहीं बताऊँगा मैं, पर फिगर बहुत बड़ा है, और 5-5% से उठा लिया ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं तो पैसा डबल कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, खुद का भी पैसा लगा लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, और पूरा डूब गया, एक दिन में सारा का सारा डूब गया, मेरे आज तक का कमाया हुआ सारा डूब गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन मैंने दुबई में पार्टी की थी, और उस पार्टी में करीबन 1.5-2 लाख का दारू पिलाया था लोगों को, तो मेरा एक फ्रेंड है मंदार करके, उसका भी नाम ले रहा हूँ, उसने मेरे पास आके कहा, उसकी स्टाइल और क्या कर रहे, सब कुछ तो डूब गया, क्यों खर्चा कर रहे, पैसा ही नहीं बचा। वो रत्नागिरी का एक्चुअली महाराष्ट्र ने, तो मैंने कहा भाई ये लास्ट बचा ये आज खर्च करने दे, कल दोबारा से शुरू करेंगे। और वो आज भी उस चीज़ को मानता है कि वापस से जीरो से शुरू किया और काफ़ी सारी चीज़ें वापस से कर ली है, लेकिन मेरी लाइफ जर्नी ही रही है, बोलता है ना लाइफ की जर्नी, मैं घूमता ही रहा हूँ। अभी जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, जब पूरा कर्फ्यू था वगैरह, तो अपने जो जल मंत्री हैं गज्जू बन्ना बोलते हैं, हम तो जोधपुर के हैं, तो उनके पीए से रिक्वेस्ट करके जैसे तैसे पास बनाया था, मेरे पापा आईसीयू में थे, तो हम जैसे तैसे कर्फ्यू था, सील थे बॉर्डर, तो उनकी काफ़ी मेहरबानी बोलूँगा ऐसी सिचुएशन में भी, उनका पीए मुझे फॉलो कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, सोचो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो फ़ोन करते करते लोग थक जाते। तो हम पहुँचे, और तब से लेके अभी तक हम अपने घर नहीं गए, 1.5 साल से ऊपर हो गया है मेरे वाइफ ने मेरा घर नहीं देखा है। एक्चुअली हम नासिक सेटल है, और फिर जोधपुर रहे, पापा की वो कंडीशन नहीं हुई कि हम वापस जा पाए,
तो हम यही रुके रहे। फिर बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा था तो मैंने फिर उदयपुर में एक फ्लैट लिया, क्योंकि मेरे कुछ टीम्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो जोधपुर नहीं आने वाले उदयपुर, तो मैं 2 दिन जोधपुर रहता था। उदयपुर रहने के पीछे ये था कि 4 घंटे की जर्नी है सिर्फ, कभी भी इमरजेंसी हो तो आ सकते हैं। फिर फादर फरवरी में गुजर गए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाया, एक दो महीना डिप्रेशन में रहा। फिर फैमिली वालों ने कहा ये पागल हो जाएगा अगर घर से नहीं निकलेगा, तो फिर घर से निकला। जैसे ही निकला तो वाइफ को उदयपुर पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी मुंबई पुणे में रहे हुए हैं, तो बोला छोटी सिटी है। फिर जयपुर डिसाइड किया, बच्चे के एजुकेशन के हिसाब से भी सबने यही सलाह दी कि जयपुर अभी भी वैसे उसे ज़्यादा पसंद नहीं आया, हम पीछे बैठ के वही बात करें, धीरे धीरे आ जाएगा। तो फिर लास्ट फाइनल डिसीजन लिया कि अभी जयपुर रह के वर्क करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी काम है मेरा, तो न्यू सिटी रहेगी, न्यू लोग रहेंगे, और मैं खुद भी राजस्थान से ही हूँ तो अपना सा लगता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि मैंने जितने नेशनल्स के लिए यूपी और राजस्थान से ही खेले, और पहले जब खुद की कंपनी लॉन्च की थी तो जयपुर में भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, चंडीगढ़ वगैरह में भी किए हैं, तो पुरानी टीम्स भी काम आएगी। तो आफ्टरऑल मैं यही कहूँगा, जो भी होता है वो घड़ी दिखा रहे हैं मुझे, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो लाइफ इज ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। नदी की तरह बनो, नदी ये नहीं सोचती है कि कब आप समुद्र तक पहुँचेंगे, बस आप चलते जाओ, एक दिन आपको मंजिल मिल ही जाएगी।